अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मंडे मॉर्निंग है, सुबह सुबह उठना पड़ा है बच्चों को छोड़ने के लिए। और बच्चों कैसा लग रहा है आज सुबह सुबह उठ के? क्या मतलब बहुत गंदा बेटे, स्कूल जाना पड़ता है। और इस वक्त जी ठीक ठाक फॉग हो रही है बाहर। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए ठीक ठाक फॉग है इस वक्त बाहर, और सर्दी भी अच्छी खासी हो रही है। फॉग आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं लगती कि ये एजुकेशन बोर्ड जो है ये क्या सोच के बच्चों को छुट्टियां देता है। जब सर्दी का जो पीक होने लगता है, विंटर ब्रेक ही है ना ये, जैसे ही सर्दी बढ़ने लगती है तो बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, और जो पीछे नॉर्मल मौसम था उसके अंदर बच्चों ने पूरी छुट्टी इंजॉय की हैं। तो ये लॉजिक की वजह से मुझे तो आज तक समझ नहीं लगी कि इसके पीछे फंडा क्या है। बच्चों को जी ड्रॉप कर दिए हैं स्कूल के लिए, और ये देखें अगर आप सामने, ये मैं इस वक्त मॉल टाउन लिंक रोड से गुजर रहा हूँ, तो ये देखिए विजिबिलिटी काफ़ी कम है, और फोग ने पूरे एरिया को जो है अच्छे तरीके से अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो ये फोग का सिलसिला ऐसे ही मेरा ख्याल रहेगा अगले कुछ दिन तक। ये इस वक्त अली, मिरहा और मैं, हम जा रहे हैं माहम और अब्दुल्ला को स्कूल से लेने के लिए। हाँ जी बच्चों, किधर जा रहे हो? स्कूल में? मेरा आप भी जा रही हो स्कूल में? Yes. किसको लेने जा रहे हो? और ओके चलें जी, बच्चों को भी लेते हैं, पैक करते हैं, तो फिर आपसे बात होती है। हाँ जी अली, सॉरी कर लिया आप इसे? जी। क्या कहा है आपको आपने? लेट हो गए थे, सॉरी किए फिर? जी। अच्छा तो क्या कह रही है आपके? जी माम अब्दुल्ला। हाँ जी बेटे, How was your day? वालेकुम सलाम, कैसा रहा बेटे दिन आपका आज? बहुत अच्छा। हाँ जी, कुछ पढ़ा भी है कि नहीं? पढ़ा था। और सुबह तो आप कह रहे थे कि बड़े सैड हैं, आज फर्स्ट डे है जाने का। मेरा क्या हुआ? ओहो, भाई ने आपका शूज छुपा लिया था। अच्छा चलो, आज कोई एक्टिविटी हुई माहम अब्दुल्ला? रीडिंग हुई। अच्छा चलें, गुड लक गाइस। और ये देखें अली को, अली जैसे ही भाई का बॉटल देखिए, वाटर बॉटल, और उसने वहां से पानी पीना शुरू कर दिया है। अली मजा आ रहा है? लें जी बच्चों को अभी घर पे ड्रॉप करते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा ऑफिस। अली एक्सप्रेस से जी प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, प्रोडक्ट माशाल्लाह आ गई है। ये माइक थे जो कि मैंने आपको दिखाए भी हैं पहले। ये जी अली एक्सप्रेस से ड्यूल माइक ऑर्डर किया था, अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि ये बीच के इसमें क्या क्वालिटी निकली है। अभी तक तो वैसे खैर अली एक्सप्रेस से मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अमेजिंग है। मैं पिछले कोई 7 साल से अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगवा रहा हूँ। प्रोफाइल भी मेरा इस वक्त प्रीमियम है, और प्रीमियम होने की वजह से मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट मिल जाती है। तो ये प्रोडक्ट भी मेरे खैर 5 दिन के 6 दिन के अंदर अंदर मुझे मिल गई थी, और डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली आई हैव नोटिस के इन्होंने अपनी जो है कुछ पॉलिसीज चेंज की हैं। पाकिस्तान पोस्ट के साथ आई थिंक सो इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी कल शाम में मुझे कुछ 4 बजे के करीब मैसेज आया अली एक्सप्रेस से कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी डेस्टिनेशन कंट्री में पहुँच चुकी है। और आज सुबह 10 बजे, कल शाम 4 बजे पाकिस्तान पहुंची है प्रोडक्ट, आज सुबह 10 बजे मेरे घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो गई थी। तो काफ़ी क्विक कर दिया हुआ इन्होंने जो ओवरऑल प्रोसेस है, तो ये काफ़ी आसान है। और मज़ेदार बात ये है कि ये जो माइक हैं ये तकरीबन 6.5 से 7 हज़ार रुपये के पाकिस्तान में मिल रहे हैं इस वक्त, ड्यूल वाले जो है, बल्कि ये मैंने ओपन भी कर लिया, दिखाता हूँ आपको। और वहाँ से ये मुझे कितने में मिले हैं? ये $14 में मिले हैं। ये जिसका रिसीवर है आईफोन के लिए मंगवाया मैंने, और ये इसका ड्यूल हेड है, ये दो लोगों की रिकॉर्डिंग हो सकती है इससे। नॉर्मली जो यहाँ पे मिलता है वो सिंगल वाला है, ये ड्यूल रिकॉर्डिंग है। तो इसकी मैं वॉइस भी चेक करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें रिजल्ट किस तरह का मिला है इसमें। आज की जनाब मोटिवेशनल टिप ये है कि नॉलेज को हमेशा शेयर किया करें। नॉलेज को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा दिखें आपका इसमें फ़ायदा होगा। इसमें एक बड़ी मशहूर सेइंग है, नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग नॉट बाय सेविंग। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने कोई आपको ऐसा इल्म दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जितना वो ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतना आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर आप उसको सिर्फ अपनी हद तक, अपनी ज़ात की हद तक सेव करके रखेंगे तो ट्रस्ट मी एक टाइम आएगा
और नॉलेज आपका आउटडेटेड भी हो जाएगा और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। जितना आप नॉलेज लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इल्म कहते हैं फैलाने से बढ़ता है, और आपका भी इल्म में इजाफा होगा, और जिसको आप फैला रहे हैं डेफिनेटली वो भी आपके लिए एक सदका जारिया भी बनेगा। तो हमेशा इल्म को फैलाइए, अपने तक ना रखिए। जितना ज़्यादा आप इसको फैलाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज ज़्यादा आएगा, जितना आपके पास नॉलेज ज़्यादा आएगा तो आपके स्किल्स उतने ही ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। तो ये थी जनाब आज की मोटिवेशनल टिप, नॉलेज को फैलाते रहिए। ले जी, इस वक्त एडिटिंग चल रही है व्लॉग की, जहाँ पे टाइम मिलता है बस वहीं पे बैठ जाते हैं और साथ साथ जो है ना अपनी एडिटिंग करते जाते हैं। ये एडिटिंग जो है मैं अपनी आई मूवी पे ही करता हूँ, मैकबुक के ऊपर भी कर लेता हूँ, और सम टाइम अगर कहीं ट्रेवल पे हूँ तो मैं अपना आईफोन भी यूज़ कर लेता हूँ। आई मूवी में बड़ी हैंडी है और बड़ी आराम से आपकी एडिटिंग यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। इस वक्त जी मैं घर के लिए निकल रहा था, अभी जैसे ही मैं निकला हूँ ऑफिस से तो ये देखे पीछे ये मोहसिन खेल रहा है और ये इधर मुबीन खेल रहा है। तो मोहसिन जो है जनाब ये हमारे गुरु हैं टेबल टेनिस के, और ये कराते हैं बच्चों को कोचिंग, ठीक है। और इन्होंने जिसको नई भी टेबल टेनिस आती थी उसको भी सिखा दी हुई है, और अब ये जैसे ही मैं निकलता हूँ थोड़ी बहुत मैं भी खेल लेता हूँ। तो मुझे ये चैलेंज कर रहे होते हैं कि सर आ जाए आपको गेम हरानी है, तो बच्चे वजन आजकल के फुल टाइम टाइट हुए हैं। ऑफिस से निकल पड़ा हूँ जी, आज थोड़ा सा ज़रा जल्दी निकलना पड़ा है ऑफिस से, बिकॉज अभी जाना है कज़न के घर, दावत है, अभी जाएंगे वहाँ पे, घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा सा फ्रेश होके बच्चों को पिक करेंगे, और फिर अम्मी अप्पू के साथ और भाई के साथ हम सब लोग जाएंगे आज अपने कज़न की तरफ। अप्पू का बेटा है जनाब, उन्होंने नया घर लिया माशाल्लाह, और उस खुशी में उन्होंने की हुई है जनाब सबकी दावत। तो मुलाकात होगी कज़न के घर से जी, अभी रास्ते में अभी तकरीबन 7:15 हुए हैं, तो पहुंचते पहुंचते लग जाएंगे कोई 15-20 मिनट तो लग जाएंगे, क्योंकि रास्ते में ऐसा हो नहीं सकता कि इस टाइम पे निकलें और ट्रैफिक की ख्वारी से बच जाएं। ट्रैफिक अल्ट्रा क्रेज़ी रहती है जी, ये पीक आर है, जनरली मैं अवॉइड करता हूँ इस आर में निकलने से, लेकिन आज जाना था तो इस वजह से भी ट्रैफिक में ख्वार होते हुए घर पहुँचेंगे। इस वक्त हम लोग रास्ते में हैं कज़न के घर जा रहे हैं। मीना बेबी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? चाचू की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब्दुल्ला जी, हाँ जी बेटे, आज कैसा गुजरा सारा दिन आपका? अच्छा। शरारतें खूब की अली के साथ, तंग किया? ये जनाब अब्दुल्ला साहब जो है ना ये फुल टाइम सारा दिन अली को तंग करके रखता है। ये जनाब अली साहब को इतना तंग करते हैं कि वो बेचारा इतना ज्यादा इससे तंग आ गया है कि वो अली कहाँ करता है बेटे, वो देखो अभी आपके साथ बैठा भी नहीं है, वो दादा के साथ दूसरी गाड़ी में चला गया। अब्दुल्ला आपको भी तंग करता है, अब्दुल्ला जनाब कल्प्रेट है ये सारी गेम का, यही सबको तंग करके रखता है। अब्दुल्ला तू बाज आ जा अपनी हरकतों से, ठीक है, आगे से देखे से मासूम बनता है। अब व्लॉग में सारे देख के ये समझेंगे इससे मासूम बच्चा कोई नहीं है, लेकिन इसने सबको आगे आगे लगा के रखा है, नचाया हुआ है इसने सबको ना, ये पढ़ाई में सही अच्छे तरीके से पढ़ता है, मामा को अपनी तंग करता है, ठीक। हाँ पोपो क्या, और नंबर आते हैं इसके 96-97% है, ये क्या है? वॉक के लिए जनाब घर से निकल पड़े हैं, और ये हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो गया है, और अब जनाब चलते हैं पूरी वॉक करते हैं। आज इंशाल्लाह टारगेट है कि अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर करनी है वॉक आज जनाब। आज डबल लेयर पहनी है, ऊपर ये मेरून अपर है, इसके नीचे प्रॉपर जैकेट पहनी हुई है, और अंदर कैप पहनी है ताकि प्रॉपर तरीके से अपने आप को सर्दी से कवर किया जाए। और आज अपना हदफ मुकम्मल करते हैं, आज स्नीकर्स भी ज़रा दूसरे वाले पहने हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4 किलोमीटर आज अपना पूरा कर लूँगा, बाकी देखते हैं। 3 किलोमीटर का टारगेट तो लाजमी पूरा करना है, 4 का हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर 3 का तो हो गई। ये देखिए जनाब सर्दी इतनी है कि हमारे जो गार्ड साहब हैं उन्होंने देखिए प्रॉपर हीटर वीटर लगा के पूरा अपना रूम जो है बंद करके बैठे हुए हैं, तो खुद ही भाई साहब अभी ड्यूटी दे रहे हैं। इनकी हिम्मत है यार कि इतनी सर्दी के अंदर रात को ये सारी रात जागते हैं। फाइनली जी यस 4 किलोमीटर का हदफ हुआ जी मुकम्मल। हाँ 3-3.5 किलोमीटर तक तो आई वॉज कम्प्लीटली ओके, लेकिन जैसे ही 3.5 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो थोड़ी सी थकन महसूस होना शुरू हो गई। तो अब भी जो मेरा नॉर्मल तरीक़ेकार है, मैं जब भी वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ
तो मैं तकरीबन 1 week से लेके 10 days तक सेम रिपीटिशन रखता हूँ. तो आई थिंक सो बिफोर आई जंप टू 5 kilometer द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि मैं 4 kilometer को कंटिन्यू करूँ फॉर 1 week ताकि बॉडी जो है यूज टू हो जाए. जैसी बॉडी यूज टू होगी देन इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट वुड बी 5 kilometer. तो अभी थोड़ी थकन महसूस हो रही है आज, तो इसको आई थिंक सो बैलेंस आउट करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन वुड बी 1 week कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी 4 kilometer की. लेकिन जनाब आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म. कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपसे मुलाकात होगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.